हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स मेडिकल पिटारा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो खट्टी, मीठी, तीखी और चटपटी है, जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आप तुरंत बनाकर खाना चाहेंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पापड़ी चाट की रेसिपी। जी हाँ, इसके लिए हमने ये पापड़ी बनाई है सूजी और मैदा से, और ये हमारी गुड़ की चटनी है जिसमें हमने जीरा, अजवाइन, मंगरैल और सौंफ का तड़का दिया है, लाल मिर्च डाला है और नमक थोड़ा सा। ये हमारी हरी धनिया की चटनी है जिसमें हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और नमक डाल के बनाया है। ये हमने दही ली है जिसमें हमने चीनी डाल के अच्छे से फेंट लिया है, जिससे दही का स्वाद अच्छा आ जाए। ये हमारी हल्दीराम की भुजिया है और ये हमने पापड़ी को थोड़ा सा क्रश करके रख लिया है। ये हमारे बॉयल काले चने हैं जिसको हम अभी फ्राई करेंगे। यह हमारा बॉयल आलू है जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी हम फ्राई करेंगे। ये हमने बारीक प्याज काट के रखा है और ये हमने बारीक धनिया काट के रखी है। ये हरी मिर्च हमारी कटी हुई है, ये हमारी पिसी लाल मिर्च पाउडर है और ये हमारा भुना हुआ जीरा पाउडर है, ये काला नमक है और ये हमारा चाट मसाला है। तो चलते हैं हम आलू और काले चने को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, हमने ऑयल गरम कर लिया है, अब हम इसमें आलू को फ्राई कर लेते हैं। हमने बहुत थोड़ा ही ऑयल डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। अब हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल ले रहे हैं जिससे कि हमारा आलू चटपटा हो जाए, और ये थोड़ा सा हमने काला नमक डाला है, थोड़ा चाट मसाला डाल दिया है और हम इसको अच्छे से फ्राई कर ले रहे हैं। फ्राई आलू डालने से हमारी पापड़ी चाट का स्वाद और अच्छा हो जाता है। हाँ, तो देखिए हमारा आलू फ्राई हो चुका है। इसको हमको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये पहले से ही बॉयल था। अब हम इसको गैस बंद कर देते हैं और आलू को निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने जो आलू फ्राई किया था उसमें हमारा तेल बच गया था। अब हम उसी में चने भी फ्राई कर ले रहे हैं, हल्का सा ही फ्राई करना है क्योंकि चने भी हमारे बॉयल हैं। अब इसमें भी हम लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और काला नमक डाल ले रहे हैं जिससे कि हमारा चना चटपटा हो जाए, हमारा चना भी अब फ्राई हो चुका है। और अब हम इसको बंद कर ले रहे हैं और निकाल ले रहे हैं। हाँ, तो हमारे आलू और चने फ्राई हो चुके हैं और अब हम अपनी पापड़ी चाट बनाने जा रहे हैं। अब हम पापड़ी चाट में आलू डालते हैं। हमने आलू सब में डाल लिया है, अब हम सब में चने डाल ले रहे हैं। हमने चने सब में डाल लिए हैं, अब हम सब में दही डालते हैं। देखिए, हमने दही डाल दिया है इसमें, अब हम इसमें अपनी हरी धनिया और गुड़ की जो चटनी बनाई है वो चटनी डालेंगे। हाँ, तो देखिए हमारी दोनों चटनियां पड़ चुकी हैं। अब हम इसमें जो हमने बारीक प्याज काट के रखा था वो भी डाल ले रहे हैं अच्छे से। अब इसमें हम जो हमने पापड़ी क्रश करके रखी है उसको डाल ले रहे हैं अच्छे से सभी में।
अब हम इसमें सारे मसाले डाल ले रहे हैं। पहले हम इसमें ये बारीक हरी मिर्ची जो हमने काट के रखी है वो डाल ले रहे हैं। अब हम ये चाट मसाला डाल ले रहे हैं। अब हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डालने जा रहे हैं। और ये हम ये इसी लाल मिर्च डाल रहे हैं। अब हम इसमें हल्का काला नमक डाल ले रहे हैं ऊपर से। अब हम इसमें ये सेव डाल रहे हैं। जिससे पापड़ी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब इसमें हम हरी धनिया की पत्ती भी डाल दे रहे हैं। हमारी पापड़ी चाट में जो भी चीजें डालना था सब कुछ हमने डाल दिया है, सभी चीजें इसमें पड़ गई हैं। हाँ तो देखिए हमारी पापड़ी चाट खाने के लिए तैयार है। आप हमारी इस चटपटी तीखी खट्टी मीठी रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। बच्चों को ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी क्योंकि चाट खाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। हमारी इस पापड़ी चाट की रेसिपी को ट्राई करिए और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल मॉम्स मैजिकल पिटारा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय।